हेलो, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल, इसमें अन्नू कपूर और आयुष्मान खुराना का एक सीन था जिसमें एक एक्टर दिखाई देते हैं, कुछ ही सेकंड्स के लिए उनका रोल था, शायद इसलिए उन पर ध्यान नहीं गया। लेकिन अब सबका ध्यान उन पर जा रहा है क्योंकि वो एक्टर इन दिनों दिल्ली की कॉलोनीज में फ्रूट्स बेच रहा है। नाम है सोलंकी दिवाकर, उम्र 38 बरस। ऐसा नहीं है कि सोलंकी ने लॉकडाउन की वजह से ये काम शुरू किया है, वो 10 साल से फल बेचते आ रहे हैं, लेकिन बीते दिनों उन्हें फिल्मों में काम मिल रहा था, जैसे ड्रीम गर्ल, सोन चिरैया, हल्का, कड़वी हवा जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे रोल्स किए, इसलिए उन्होंने फल बेचना बंद कर दिया था। फिर आ गया कोरोना वायरस और लॉकडाउन हो गया। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें पालने के लिए पैसे जरूरी हैं, इसलिए सोलंकी ने फिर से फल बेचना शुरू कर दिया है। आज तक को सोलंकी ने बताया कि वो रोज सुबह दिल्ली की ओखला मंडी जाते हैं फल लेने के लिए, 4 से 5 घंटे लंबी लाइन में खड़े होते हैं। जैसे ही फल मिलते हैं वो उन्हें लेकर मालवीय नगर और आसपास के इलाकों में चले जाते हैं। वक्त मुश्किल है, फिर भी सोलंकी की आंखों में उम्मीद है इस बात की कि एक दिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुश्किल वक्त चला जाएगा। उन्हें दुख इस बात का है कि वो ऋषि कपूर की फिल्म शर्मा जी नमकीन में उनके साथ काम करने वाले थे, लेकिन अब ऋषि कपूर के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे जब कोई एक्टर जब दूसरा कुछ काम करते दिखता है या फिर जब पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो अपने कमरे का भाड़ा भी नहीं दे पा रहा है, या फिर अस्पताल में भर्ती है और इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो हैरानी होती है। क्योंकि फिल्मों और टीवी की चमचमाती दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि हर कोई एकदम ऐशो आराम की जिंदगी ही जीता होगा, लेकिन ये सच नहीं है। बहुत से सपोर्टिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो कई साल से अपने पैर इस इंडस्ट्री में जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस स्ट्रगल के दौरान उन्हें इक्का दुक्का काम मिल जाता है और हम उन्हें स्क्रीन पर देख लेते हैं, लगता है कि इनकी तो लाइफ सेट हो गई, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग होती है। आपको जरूर एक शो का नाम याद होगा, ससुराल सिमर का। इस नाम का सीरियल आता था, बहुत सारे लोग देखते थे। इसमें एक एक्टर आशीष रॉय भी अच्छे खासे रोल में थे। इस वक्त वो बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने फेसबुक के जरिए लोगों से मदद मांगी है। 17 मई को उन्होंने पोस्ट डाला, मैं आईसीयू में हूँ, बहुत बीमार हूँ। कुछ ही देर बाद दूसरा पोस्ट डाला, पैसों की बहुत ज़रूरत है डायलिसिस के लिए। इस पोस्ट के बाद फिल्म मेकर हंसल मेहता ने ट्विटर पर बताया कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, साथ ही फिल्म एसोसिएशन से भी मदद की मांग की गई है। आशीष रॉय कोई छोटे कलाकार नहीं है, कई फिल्मों में और सीरियल्स में काम कर चुके हैं, लोग उन्हें बॉन्ड पुकारते हैं, लेकिन फिर भी आज वो मुसीबत में हैं। फिर सोचिए उन कलाकारों का क्या होता होगा जिन्हें 3 या 4 महीने में कोई एक छोटा काम मिलता हो। फिर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और ये छोटा मोटा काम भी उन्हें नहीं मिल रहा है। अब क्या दिक्कत होती है सपोर्टिंग कलाकारों के साथ, ये जान लीजिए। कैसे कट रहे हैं दिन इन कलाकारों के, ये जानने के लिए द ललन टॉप ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर गौरव गुप्ता से बात की। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के सीरियल में वो आते हैं, सीरियल का नाम लेडीज स्पेशल, मेरे साईं और समेत कुछ सीरियल्स और भी हैं, वो उनमें भी दिखे हैं, कई विज्ञापनों में भी दिखे हैं। वो थिएटर करते हैं, 12 साल से मुंबई में रह रहे हैं, इस वक्त अपने एक दोस्त के साथ एक कमरे में रहते हैं। गौरव बताते हैं कि शुरुआत में काम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, कई ऑडिशन दिए तब जाकर थोड़ा बहुत काम मिला। अभी भी 3 या 4 महीनों में किसी सीरियल में छोटा मोटा रोल मिलता है, उसमें भी संशय बना रहता है। गौरव कहते हैं कि हमें नहीं पता होता कि काम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कई बार तो 3-4 महीनों तक काम नहीं रहता, तब पैसे भी नहीं आते। काम मिलता है, हम करते हैं, फिर 3 महीने बाद पैसे मिलते हैं, कुछ भी निश्चित नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि महीने के 2 दिन काम मिला, फिर अगले 28 दिन हम खाली बैठे रहे। फिर भी मेरे जैसे कई कलाकार एक उम्मीद के दम पर यहाँ रह रहे हैं, एक्टिंग के सिवा कुछ काम भी किया नहीं, ऐसे में खाली वक्त में थोड़े बहुत पैसे ही आ जाएंगे, इसलिए छोटी मोटी एक्टिंग क्लास ले लेता हूँ, बच्चे अपने मन से जितना पैसा दे देते हैं ले लेता हूँ। गौरव बताते हैं कि बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस बड़ी गाड़ियों में अपने सेट पर पहुँचते हैं, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से धक्के खाकर ही पहुँचते हैं सेट पर। छोटे से कमरे में ढेर सारे किराए के साथ 2-3 लोग रहते हैं। उनका कहना है कि स्ट्रगलिंग और सपोर्टिंग आर्टिस्ट की हालत किसी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी से भी खराब होती है, क्योंकि उस कर्मचारी को महीने के आखिर में पैसे मिलते हैं, फिर चाहे जितने भी मिले, लेकिन स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं है, काम नहीं तो पैसा भी नहीं।
लॉकडाउन से क्या नुकसान हुआ है, गौरव ने ये भी बताया। गौरव बताते हैं कि जो एक उम्मीद रहती थी ना कि काम मिल जाएगा, वो भी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि मेरे जैसे कई स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट मुंबई के अपने कमरे खाली करके घर चले गए, क्योंकि उनके पास किराए के पैसे नहीं थे। उनके मकान मालिक भी सरकार के मना करने के बावजूद किराया मांग रहे थे। मेरे पास भी कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं पैसों के लिए, क्योंकि उनके पास सारी सेविंग भी ख़त्म हो चुकी है और घर से भी पैसे नहीं मंगवा सकते। लॉकडाउन बहुत निराश कर रहा है, लेकिन हम हिम्मत बांधे हुए हैं ये सोचकर कि जल्द ही सब ठीक होगा, फिर पहले की तरह हो जाएगा। हर सपोर्टिंग कलाकार को उम्मीद है कि लॉकडाउन जल्दी खुलेगा, फिर से काम मिलेगा। उनके हालात उन बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस से अलग हैं जिनके लिए लॉकडाउन परिवार के साथ बिताने वाला वक्त बन चुका है। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर कहें।